टिहरी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह हुंसोला ने किया जनसंपर्क अभियान शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह हुंसोला ने आज कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर को मजबूत बनाने का आह्वान किया और घर घर जाकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मसूरी माल रोड और लंडौर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि ज्योत सिंह हुंसोला ने कहा कि यह लड़ाई राजशाही और आम आदमी के बीच की है और टिहरी लोकसभा की जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार बदलाव की बयार चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि वह टिहरी राजशाही के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब होंगे। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की यूके 24/7 के लिए मसूरी से। जो है आप कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत कर रही है, कांग्रेस जनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो टिहरी लोकसभा सीट है उसमें भी कांग्रेस जो आप प्रत्याशी है काफी आपको प्यार मिल रहा है, तो किस तरीके की लड़ाई है आपके आगे? मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, इंडिया अलायंस के साथियों का, जनता का, पत्रकारों का अथाह प्रेम नौजवानों से लेकर महिलाओं तक का मिल रहा है। मैं इस चुनाव को जो हूँ बड़ी सादगी से लड़ रहा हूँ। ये चुनाव प्रजा और राजा के बीच में है। प्रजा चारों तरफ फैल चुकी है, वो स्वतः स्फूर्त हो रही है, चाहे कांग्रेस के साथी हों, चाहे कॉमरेड साथी हों, लेफ्ट राइट सबके साथी हों, वो सब लामबंद होकर जो है इस टिहरी लोकसभा की विधानसभा लोकसभा में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। इसका अंजाम मैंने अभी, मैं चंबा गया था, नई टिहरी गया था, कार्यकर्ताओं में बहुत अति उत्साह और उल्लास है, जो जन जन तक जाकर जो है इसको परिवर्तन की लहर में डालेंगे वही उत्साह जो है इस मसूरी में भी दिखाई दे रहा है। मैं आज मसूरी में आया था तो मैं सबसे पहले तो मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन शहादतों को, उन आंदोलनकारी शहीदों को जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, राज्य बना उनकी वजह से, हम उनको सादर और आंदोलनकारियों को तो मैं नमन करता हूँ, इसके लिए मैं बाद में अलग से बात करूँगा। बहुत सारे बड़े जो आपकी तो कांग्रेस के नेता है वो भाजपा में चले गए, ऐसे में लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर हो रही है? नहीं, नुकसान होता है लेकिन उसकी भी भरपाई जनता करेगी, क्योंकि जनता की अदालत है, उनके और मेरे जाने से आने से नहीं होने का। जनता इस समय बहुत विमुख हो चुकी है, जनता सवाल पूछने लग गई है कि इस महंगाई का जवाबदार जिम्मेदार कौन है, इस ये जो रोजगार और बेरोजगारी की बात की जा रही है, नौजवान खाली घूम रहा है, इसका जवाबदार कौन है? सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है, कौन जवाब देगा? खाली मन की बात करने से थोड़ी हो जाता है कि आप खाली मन की बात करेंगे, अरे उन सवालों को देखिए, उनका जवाब दीजिए, निस्तारण कीजिए। अंकिता भंडारी का जो है उस बेचारी का न्याय, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवान बेरोजगार है, अब इसके सवाल को जवाब कांग्रेस तो नहीं देगी, जनता भी नहीं देगी, लेकिन देगी कौन? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा और आज हम सब जनता की अदालत में जा रहे हैं। विधायक जी, आजकल जो है सोशल मीडिया पे एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, पहाड़पुर है बसी, और उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ठीक है, जन भावनाएं हैं, लोग डाल रहे हैं, किसी की भावना है कि राजा प्रजा की जो है लड़ाई है, कोई कहता है पहाड़पुर रहवासी छो, कोई कहता है मैं दिल्ली का रहवासी हूँ, कोई कहता है यार परिवर्तन जरूरी है और इस राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं तो उनका इसीलिए शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। और मेरी प्राथमिकता ये है कि पार्टी ने सामाजिक न्याय, राष्ट्र आर्थिक न्याय और नौजवानों के रोजगार की बात की है। उस फौजी पूरा उत्तराखंड फौजी बेस है और एक्स आर्मी पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और आप देख रहे हैं कि अग्निवीर के एक झुनझुना पकड़ा कर नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। विधायक जी, एक वायरल हो रहा है, एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है। कहाँ का? टिहरी लोकसभा। भाई ये वायरल भी वही लोग करा रहे हैं जिनकी हालत खराब है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं यूके 24/7
न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।